पार्ट टू और अंतिम पार्ट है सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट है ये मेटलर्जी का लगभग एक घंटे चालीस मिनट की वीडियो ऑलरेडी आपके पास है आप चाहें तो देख सकते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दी गई आज इसके बाद मैं इसकी एक प्ले बना दूंगा जिसमें दोनों वीडियो पड़े रहेंगे जब आपका मन करे देख लेना साथ साथ में नोट्स जरूर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये यह हैव सीन हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोनिक्स आर अपलाईड टू पायरो मेटलरजी पायरो का मतलब है टेम्परेचर और पहले भी बताया गया कि जो आपके लिंगम डायग्राम है वो आपको बताते हैं कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है सिमिलर प्रिंसिपल्स आर इफेक्टिव इन द रिडक्शन ऑफ मेटल आय इन सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन स्टेट सेम से ही प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं आर इफेक्टिव इन द रिडक्शन ऑफ मेटल आय इन सोल्यूशन और सोलिड जैसे एन इसका फ्यूज फॉर्म ले लिया गया इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया और के थोड़ पर जाकर ने में चेंज हो गया। इनको रिड्यूस करने का तरीका, जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो और एलिमेंट अब अगली बात इन द रिडक्शन ऑफ मोल्टन मेटल सोल्ट डन जैसा कि मैं बार आप बार आपको बता रहा हूं तो ऊपर के पैराग्राफ को पढ़ के डिस्कशन चलता है कि मेटलर्जी के पहले प्रिंसिपल थे जिसमें आपने डायग्राम के बारे में बात की तो अगला प्रिंसिपल आपका है पायरोमेटलर्जी पायरोमेटलर्जी में आप क्या कर रहे हैं टेम्परेचर तो है बाई डिफॉल्ट और वो सारा थर्मोडाइनमिक्स बेस्ड है जैसा कि आपको बताया गया था अब आप सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं मेटल आयंस इन सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस है इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाएगा सच मेथड्स आर बेस्ड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स विच अंडरस्टूड थ्रू द इक्वेशन डेल्टा जीव टू माइनस एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मुला है और आप अच्छी तरह इसको जानते हैं, में इलेक्ट्रिकल एनर्जी एन क्या है भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है रेडोक्स कपल फोर्म इन दिस्टम है मोर रिएक्टिव मैटल्स हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मोर रिएक्टिव मेटल्स हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सो देअ रिडक्शन इज डिफिकल्ट मोर रिएक्टिव मैटल सिंपल है एनी प्लस है अगर जिसका इनोट अप्रोक्सीमेट माइनस टू पॉइंट सेवन थ्री वोल्ट है तो मोर रिएव मैटल्स हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सो देअ रिडक्शन इज डिफिकल्ट इफ द Difference of two E not values correspond to a positive E not and consequently negative delta G not in equation 6.4 jaisa ki upar dikhai gayi hai then the less reactive metal will come out jaisa ki aapne process में use किया था जिसका नाम हमने क्या रखा था? MacArthur MacArthur Forest method में आपने term को use किया था। तो जहां आपने zinc की help से copper zinc की help से Ag और Au को

मेटलर्जी करनी पड़ेगी समटाइम्स एडेड फॉर मेकिंग द मास मोर कंडक्टिंग। अभी आप एल्यूनियम की मेटलर्जी में एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे कि उसमें हमने फ्लोर स्पार वगैरह डाला है जिससे हम उसकी एम पी मेल्टिंग पॉइंट को भी घटा पाए इसके अलावा हम वहां उसकी कंडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर पाएनियम चेक करें इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम प्योरीफाइड ए एल टू ओ थ्री जिसका की एम पी वेरी हाई है बहुत ज्यादा है क्रायोलाइट बोलते हैं आप एन ए थ्री एल एफ सिक्स को आप क्रायोलाइट भी बोलते हैं एन ए थ्री एल एफ सिक्स को आप लोग क्रायोलाइट भी बोलते हैं और सी एफ टू विच लोअर सा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर ये एग्जाम के अंदर एंड ब्रिंग्स कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी भी बढ़ाता है कार्बन एक्ट एज द्रेफाइट यहाँ एंड के फॉर्म में सिंपल सी बात है ग्रीफाइट भी कार्बन ही है ओवरऑल रिएक्शन में भी रिटर्न कार्बन का रिएक्शन हुआ और कार्बन ने Al2O3 को रिड्यूस किया द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज वाइडली नोन एज द होल्स हेराल्ड्स प्रोसेस होल्स हेराल्ड्स प्रोसेस यहां ग्रेफाइट का एनोड है स्टील वेसल विद कार्बन लाइनिंग आपको दिख रही है ये वाली कार्बन लाइनिंग ठीक है जी फिर मोल्टन एल्युमिनियम लिया हुआ है इस जगह पे यहां आपने मोल्टन एलुमिना और Al2O3, टू एन क्रायोलाइट लिया और क्रायोलाइट का काम क्या है मेल्टिंग पॉइंट को घटाना और कंडक्टिविटी को बढ़ाना मेल्टिंग पॉइंट को घटाना और कंडक्टिविटी को बढ़ाना ठीक है जी दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज वाइडली नोन एज द होल राउट्स प्रोसेस दस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मास इज कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स

ऑफ़ लुमिनियम पे हाफ के जी ऑफ कार्बन हमारा वेस्ट जा रहा है कॉपर अगर लो ग्रेड ओर और स्क्रैप से निकालना हो तो कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम द लो ग्रेड ओर्स ओर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स इट इज लीज आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया द सोलूशन कंटेनिंग ट्रीटेड विद स्क्रैप आयरन और हाइड्रोजन इक्वेशन सिक्स फोर्टी और सिक्स फोर्टी सिक्स कोपर प्लस टू वही सेम जो हमें बताया गया कि डेल्टा जी टू डेल्टा एच माइनस ट्री डेल्टा एस कोपर प्लस टू हाइड्रोजन ये कॉपर आपके पास डिपोजिट uh, हो गया है और यहाँ एच प्लस हाइड्रो हाइड्रोमेटलर्जी कोपर इज एक्सट्रेक्टेड बाई हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड और इट इज लीज आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया दिस सोलूशन कंटेनिंग ट्रीटेड विद स्क्रैप आयरन और हाइड्रोजन ठीक है जी तो इक्वेशन 6.40 कह रहा है, तो हम एक बार 6.40 पॉइंट फोर्टी देख ही लेते हैं ये वही सेम इलेक्ट्रिकल वर्क वाली लो जी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एट अ साइट लो ग्रेड कॉपर ओर्स आर अवेलेबल एंड जिंक एंड आयरन स्क्रैप्स आर आल्सो अवेलेबल स्क्रैप वुड बी मोर फॉर डिडक्टिंग जिंक का नोट आपको पता है माइनस में और ये अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ा है आपको जिंक बींग अबो आयरन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मोर रिएक्टिव मेटल इज जिंक

ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडक्शन इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरिन फ्रॉम ब्राइन एनएसीएल क्लोराइड है इसको क्लोरिन के फॉर्म में अलग करना है हम लोगों ने क्लोरिन इज अबेंडेंट इन सी वॉटर एज

रोस्टिंग कैल्सिनेशन पे जिसमें आपने उसको ऑक्साइड में बदला ऑक्साइड का रिडक्शन करवाने के लिए आपने एलिमियम डायग्राम चूज किया एलिमियम डायग्राम में आपने बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट किया बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट करने के लिए आपको ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे बारह नंबर मैग्नीशियम एलुमिनियम से बेस्ट है एल्यमिनियम सिलिकन से बेस्ट है और सबसे टॉप पे था अगर थोड़ा सा किसी बुक पर जाकर आप देखेंगे तो मर्की और इसके अलावा आपको सिल्वर वगैरह भी मिल ही जाएंगे लेकिन सिल्वर उससे ऊपर होगा कॉपर से ऊपर होगा लेकिन एनसीआरटी के एलिगम को ही चेक करें इसी से क्वेश्चन आप बना पाएंगे एंड देन आफ्टर जैसे ही आपको लगा कि आप मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर गए हो तो एक क्वेश्चन जो लगातार प्रीवियस ईयर में आता रहा वो था Cu2O को ओ को कॉपर में बदलना है तो किससे रिएक्शन करवाएं तो Cu2S हमारे पास एक अच्छा जो सब्सटेंस था रिएक्शन के अंदर ही प्रोड्यूस हुआ था Cu2S Cu2O ब्लिस्टर्ड कोपर बना और वो एक सेल्फ रिडक्शन का एग्जाम्पल था जो एग्जामी मैथड इज यूजअली कंटामिनेटेड विद सम्योरिटी फॉर ऑप्टेनिंग मेटल ऑफ हाई प्योरिटी सेवरल टेक्निक्स डिपेंडिंग अपॉन द डिफर मेटल एंड द इम्प्योरिटीड बिलो एक फिर आपके पास इसका लिक्वेशन है देन इलेक्ट्रोलाइसिस है जोन रिफाइनिंग बहुत अच्छा मेथड है वेपर फेज रिफाइनिंग हुआ क्रोमेटोग्राफिक मेथड जिसका कि इन्होंने फोटो उड़ा दिया दीज आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल हियर सबसे पहले डिस्टिलेशन तो बात समझ रहे हैं मेटल एक्सट्रेक्शन एनी मेथड इज यूजुअली कंटामिनेटेड विद सम इंप्योरिटीज तो हमें मेटल का फर्दर रिफाइनिंग तो कराना पड़ेगा ही डिस्टिलेशन में जिनके लो बॉइलिंग मेटल्स हैं इज वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स लाइक जिंक मरकरी जिंक मरकरी तो इसमें क्वेश्चन मैंने देखा था उसको मैं ढूंढ के आपको भी बोल ही देता हूँ। ये टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू ऑबटेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर थोड़ा सा देखें डिस्टलेशन इट इज वेरी यूजफुल

एक आगे लिक्वेशन की बात कही है, तो ध्यान से सुने दिस इज मेथड इन दिस मेथड अ लो मेल्टिंग मेटल तो पक्का लिक्वेशन तो उसमें से कट ही जाना है जबकि उसके ऑप्शन में था भी नहीं तो उसने कहा विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर आगे बढ़े तो इन दिस वे इट इज सेपरेटेड फ्रॉम हायर मेल्टिंग इंप्योरिटीज थोड़ा और बढ़ते हैं नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इन दिस मेथड द इंप्योर मेटल

जो कोपर सल्फेट का सॉल्यूशन है यहां मैं इसको एज इलेक्ट्रो लाइट लेके चलूंगा तो यहां से कॉपर प्लस टू निकल निकलकर कॉपर पे डिपॉजिट होता जाएगा कॉपर प्लस टू निकल निकलकर कॉपर पे डिपॉजिट होता जाएगा कॉपर प्लस टू निकल निकलकर कॉपर पे डिपॉजिट होता जाएगा इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज एक्ट एज एनोड तो ये भाई साहब हमारे एनोड है ठीक तो आर पुट इन अ अटेबल इलेक्ट्रोलाइट बाथ कंटेनिंग सोल्यूबल सोल्ट ऑफ द सेम मेटल कॉपर इन कॉपर सल्फेट द मोर बेसिक मेटल्स रिमेन इन द सोलूशन वर्डिंग अच्छी है हाईलाइट करने वाली है द मोर बेसिक मेटल्स रिमेन्स इन द सोल्यूशन एंड द लेस बेसिक वंस गो टू एनोड नोड मड ये प्रेसिपिटेट कर गया है

इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लिखा है बोर्ड पे मैंने एनोड एनोड से एनोड से सोल्यूशन में गया, anode से सोल्यूशन में गया, solution से पे गया। से पे चलता रहेगा एनोड से सोल्यूशन सोल्यूशन कैथोड द इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड नेट रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्राइसिस इज द ट्रांसफर ऑफ कॉपर इन प्योर फॉर्म फ्रॉमोड टू कैथोड एनोड ऑक्सीडाइज हुआ इंप्योरिटी फ्रॉम द ब्रिस्टर्ड कॉपर डिपोजिट एज एनोड मड विच कंटेन एंटीमनी देख लें अब इसको एक बार ध्यान से नोबेल मेटल्स हैं अगर इंप्योरिटीज होंगी तो प्लेटिनम है सिल्वर है गोल्ड है कोई बात ये तो नोबल मेटल्स आये गए ये नोबल मेटल्स आ गए, गए। सिलिनियम एक है एंटीमनी एस भी लिखा सिलिनियम सी लिखा टेल्यूरियम पी लिखा थोड़ा सा नजर मार ले जब आप पी ब्लॉक पे चलते हो ना तो पी ब्लॉक में आपके पास नाइट्रोजन फोस्फोरस आर्सेनिक है तो ये हुआ फिर कार्बन सिलिकन जर्मेनियम और यहां से ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम तो आर्सनिक यहां का आपके पास कौन आ गया एंटीमनी क्योंकि आर्सनिक के बाद कौन था एंटीमनी एंटीमनी और आ गया अब थोड़ा सा हम बात करें ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम एंड टेल्यूरियम तो एंटीमनी टेल्यूरियम इकट्ठे पड़े और सिलीनियम है तो मैं जल्दी से एक बात आपसे बोल दूं जो मेरे पास टारगेट बना नाइट्रोजन फोस्फोरस आर्सनिक एंटीमनी ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम और तीन नोबेल मेटल आपके पास आई गए तो मैं आपसे स्पेशली बोलूंगा इसको हाईलाइट करके लिख लो क्योंकि ये पेपर का पार्ट बन सकता है रिकवरी ऑफ दिस एलिमेंट मे मीट द कोस्ट ऑफ रिफाइनिंग जिंक मे ऑल्सो बी रिफाइन दिस वे रिफाइनिंग दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपलोरिटीज आर मोर सोल इन सोलिड बस मत पढ़ो तब भी काम चल जाएगा इंप्योरिटी मोल्टन जोन में पिघले हुए जोन में ज्यादा घुलती हैं। इंप्योरिटीज पिघले हुए जोन में ज्यादा घुलती है यह लाइन कॉपी पेस्ट कर ले बस इसके अलावा कुछ भी नीड नहीं है तो प्रोसेस है मोबाइल हीटर सराउंडिंग द रोड ऑफ इम्प्योर मेटल इस फिक्स एट इट्स वन एंडन जोन मूव अलोंग विद द हीटर विच इज मूव फॉरवर्ड एज दीटर मूव फॉरवर्ड द्योर मेटल क्रिस्टलाइजेज आउट ऑफ द मेल्ट लेफ्ट बिहाइंड एंड द इम्प्योरिटी पास ऑन इन टू दस्ट न्यू मोल्टन जोन क्रिएटेड बाय मूवमेंट ऑफ हीटर द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स हुआ क्या हीटर आगे बढ़ता जा रहा है पिछला जोन सॉलिड होता जा रहा है और अगला जोन लिक्विड तो उस लिक्विड में इम्प्योरिटी शिफ्ट करती जा रही है इम्प्योरिटी शिफ्ट करती जा रही है मान लो ये रोड है ठीक यहां से हीटर चला यहाँ पीछे पीछे प्योर 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 और इम्प्योरिटीज मोल्टन जोन में शिफ्ट होती जा रही है जैसे मेरी फिंगर मूव करती जा रही है तो यू मानो हीटर के साथ साथ में कौन मूव करेगा हीटर के साथ साथ में इम्प्योरिटीज मूव करेंगी हीटर के साथ साथ में इम्प्योरिटीज मूव करेंगी अ मोबाइल हीटर सराउंडिंग द रोड ऑफ इम्प्योर मेटल इज फिक्स एट इट्स वन एंड द मोल्टन जोन मूव अलोंग विद द हीटर विच इज मूव फॉरवर्ड As the heater moves forward, the pure metal crystallizes out of the melt, left behind, and the impurities pass on into the adjacent new molten zone created by movement of heaters. The process is repeated several times and the heater is moved in the same direction again and again. Impurities get concentrated at one end, this end is cut off. मैथ इज वेरी यूजफुल ये लाइन भी कॉपी करने वाली है दिस मैथ इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रोड्यूसिंग सेमी कंडक्टर एंड अदर मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी लेकिन इसने ये नहीं लिखा लिक्विड एट रूम टेम्परेचरियम सिलिकन बोरोन गेलियम इंडियम तो दो हजार इक्कीस में अगर ये मैं बाइस का क्वेश्चन मान के चलता हूं तो जोन रिफाइनिंग में आपके पास हाई प्योरिटी क्योंकि सेमी कंडक्टर तो हाई प्योरिटी की चाहिए चाहिए आपको द मैथ इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमी कंडक्टर एंड अदर मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी देखो ये वर्ड वहां भी यूज किया दो हजार इक्कीस के पेपर में ना उसने 2021 तो के पेपर में पढ़ देता हूं एक पर फिर मैं तो जबकि यहां ऐसा कोई लिक्विड वाली बात नहीं है दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर एंड अदर मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी जर्मेनियम सिलिकॉन बोरोन गैलियम इंडियम जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं लो जी अगला आपके पास है वेपर फेज रिफाइनिंग जिसको गलती से भी इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इन दिस द मेटल इज कन्वर्टेड इन टू इट्स वोलेटल कंपाउंड विच इज कलेक्टेड एंड कंपोज टू गिव द प्योर मेटल सो द टू रिक्वायरमेंट मेटल शुड फॉर्म अ वोलेटल कंपाउंड पहली बात एंड अवेलेबल With an available region, जो भी हमारे पास होगा, जैसे प्रोसेस में हम लोग करते हैं कार्बन मोनॉक्साइड को और में हम यूज करते हैं। उसके बाद डीकम्पोजिबल हो ऐसा ना हो कि परमानेंट कंपाउंड बना के बैठ जाए तो पहला तरीका आपके पास है मोन्ड प्रोसेस जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर रहे होते हो ना बच्चे तो वहां भी हम लोग मेटोलॉजिकल प्रोसेस जो यूजेज और एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो वहां भी हम लोग नाम लेते हैं इसका ना मेटलर्जिकल प्रोसेस में मोनो प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग निकल इन दिस प्रोसेस निकल हीटेड इन कार्बन मोनोक्स इज डोज एट हाई टेम्परेचर टू अपन द्योर मेटल निकल हुआ चार कार्बन मोनोक्साइड हुए ये टेट्राकार्बोनिल निकल आपके पास आगे है और ये टेम्परेचर जरूर करें क्योंकि इस टाइप की बातें हो सकता है मैं रिस्क बेसिस पे बोल रहा हूं और इसमें कोई दिक्कत करेंट एक सौ बीस डिग्री प्लस चले जाओ तो उसको डिकम्पोज कर दिया गया तो इम्प्योरिटी निकल यहां इम्प्योर फॉर्म में है इसके बाद प्रोसेस प्रोसेस जर्कोनियम टाइटेनियम यहां टाइटेनियम है जर्कोनियम है और इवन हफेनियम भी यूज हो रहा है जिनका आ, फोर्थ बी के मेंबर है जो वो नर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग जर्कोनियम और टाइटेनियम दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर रिमूविंग ऑल द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंप्योरिटी इन सर्टेन मेटल जर्कोनियम टाइटेनियम अंडरलाइन करने की बात है ये रिमूविंग ऑल द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इंप्योरिटी

टंगस्टन का सिंबल आप जानते हैं डब्ल्यू बल्ब के अंदर देखना कभी तो ऊपर जो बात मुझे बताई ना उसने क्या कि मेटल वोलेटाइल बनाए कंपाउंड और फिर वो इजिली डीबल भी हो तो प्रोसेस स्पेशली फॉर निकल और कोई खास बात थी नहीं वोन ऑरिकल प्रोसेस फॉर द टाइटेनियम जर्कोनियम हाफेनियम ये आप याद रखेंगे 11th, 12th. तो वही तरीका यहां भी आपको यूज करके बताएगा Column chromatography is very useful for purification of the elements which are available in minute quantities and the impurities are not very different in chemical properties from the element to be purified. तो कुछ खास बात है नहीं अगर थोड़ा सा अच्छा पढ़ना चाहते हैं क्रोमेटोग्राफी को तो मुझे लगता है आपको एक बार प्योरिफिकेशन पे जरूर शिफ्ट होना चाहिए छोटे मोटे चैप्टर हैं जो आपको काफी कुछ देंगे ये वीडियो अप्रोक्सीमेट आधे घंटे का होने वाला है तो मैं यूजेस के बारे में बात कर लेता हूँ अगर आप घर में कभी मम्मी से खाना पैक करवा के लेके गए हूँ तो एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज एज रैपर्स फॉर द फूड मटीरियल पहली बात बाकी चिप्स कुर्करे जितने भी आ रहे हैं वो तो एल्यूमियम फॉइल में आ रहे हैं द फाइन डस्ट ऑफ द मेटल इज यूज इन पेंट्स एंड लेक्वर्स

ब्रास अभी बताया मैंने आपको कॉपर 60 परसेंट है जिंक चालीस परसेंट है जर्मन सिल्वर ना जर्मन सिल्वर तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते बच्चे कहेंगे वहां नहीं है यहां तो है जर्मन सिल्वर इज सो को सि 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 सिल्वर जो मार्केट में नकली सिल्वर बिकता है ना वो सिल्वर क्या बेच देते हैं उसमें जीरो परसेंट होता है उसके अंदर कॉपर जिंक का में निकल है तो अट्ठाईस उनतीस तीस अगर याद करने का तरीका ढूंढना चाहते हो अट्ठाइस कॉपर जिंक कॉपर निकल कॉपर जिंक इसके कॉन्स्टिटुंट्स हैं

Anchors, wires, bolts, chains, agriculture implements. Steel finds a number of uses. Alloy steel is obtained when other metals are added to it. Nickel steel is used for making cables, automobiles, and aeroplanes parts. पेंडुलम मेजरिंग टेप्स क्रोम स्टील इज यूज फॉर कटिंग टूल्स एंड क्रशिंग मशीन एंड स्टेनलेस स्टील इज यूज फॉर साइकिल ऑटोमोबील्स यूटेंसिल्स पेन्स एक्सेट्रा तो इतना कचरा याद करने की नीड नहीं है बस हल्का फुल्का देखिए कास्ट आयरन का यूज़ किया और कास्ट आयरन क्या कास्ट आयरन प्योर फॉर्म है क्या पिक आयरन प्योर फॉर्म है क्या रोट आयरन प्योर फॉर्म है तो ये आप थोड़ा सा पीछे जाकर एक बार देखिएगा मैंने जानबूझ के क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है तो समरी में हमें जो मैंने पढ़ाया था वो सारी सारी समरी में चीजें लिखी हुई हैं। नथिंग इज डिफरेंट इन समरी मैंने इसको पढ़ के देख, देख लेना। और यहां उसने फिर लियाम बोक्साइट है आयरन हेमेटाइट मैग्नेटाइट है कॉपर का मेलाकाइट अभी करंट में क्वेश्चन बताया था मैंने आपको जिंक जिंक ब्लेंड है ठीक है ना तो ये एक पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है फिर तो कैसेटराइट के बारे में जनरली पूछता रहता है टिनस्टोन 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 इसको टिनस्टोन बोलते हैं जिसमें मैंने आपको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में बताया था और इसका क्वेश्चन भी आप अगर मेरे साथ बैठकर डिस्कशन पर आई गए तो 19 में नहीं है 19 में नहीं है और 18 में नहीं है 13 में भी नहीं है 12 में आपसे मिनरल ऑफ आयरन पूछा है जो कि आपके सामने बोर्ड पर आपको दिख ही रहा है आयरन में हेमेटाइट है ही आपके पास और इसमें जो नाम दे रखे हैं मेलेकाइट कैसेटराइट पैरोलोसाइट मैग्नेटाइट तो मेलेकाइट भी आपको बोर्ड पे दिख ही रहा है बस अगर कुछ नहीं दिख रहा तो कैसेटराइट नहीं दिख रहा बाकी तो सारे पैरोलोसाइट तो आपका डी ब्लॉक में आ जाएगा ना एम एन ओ टू पैरोलोसाइट ठीक हो गया और इसके अलावा मुझे कहीं दो हजार सात तक तो नामो निशान कैसेटराइट भी बस वही देखा है हमने इसके अलावा कैसेट्राइट इज एन ओर ऑफ नाइनटीन नाइनटी नाइन का है तो हो सकता है तब की एनसीआरटी में वो मेंशन हो तो एक बार इन पे भी नजर मार ले फास्ट कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी बट नॉट जिंक ये आप आंसर देख लेना मैंने देखना कुछ अलग तो नहीं है वाइज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट वो हमें पता था कि सैनड लिया गया और जिंक को अलग करने के लिए बट वाइज द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम पायरेट मोर डिफिकल्ट देन दैट फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और थ्रू द रिडक्शन और अलग कुछ नहीं है बट इज इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम पायरट मोर डिफिकल्ट देन दैट फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और थ्रू द रिडक्शन वो तो ऑटो रिडक्शन बताया था ना आपको जोन रिफाइनिंग कोलम क्रमोटोग्राफी कार्बन एंड कार्बन मोनोक्साइड बैटर रिड्यूसिंग एजेंट चार सौ डिग्री पे कौन है कॉमन एलिमेंट पर आपका था तीन कॉनेज मेटल तो है ही आपके पास वेअर दे सो परसेंट राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट जो इन द ब्लास्ट फर्नासार इक्कीस का क्वेश्चन बन गया राइट केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एक्सटैशन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लैंड स्टेट द रोल ऑफ सिलीकन एम एटलर्जी ऑफ कॉपर आपको बताया था फ्लक्स है विच मैथड ऑफ रिफाइनिंग मे बी मोर सुटेबल इफ एलिमेंट इज ऑबटेन इन माइन्यूट क्वान्टिटी तो लीचिंग विचिंग ठीक रहता है विच मैथड इज रिफाइनिंग वि यू सजेस्ट फॉर एन एलिमेंट इन विच इम्प्योरिटीज प्रजेंट हैल प्रॉपर्टीज क्लोज टू द प्रोपर्टीज ऑफ दट एलिमेंट डिस्क्राइब अ मेथड फॉर रिफाइनिंग निकल वो मोन्ड प्रोसेस हाउ कैन यू सेपरेट एलुमिना फ्रॉम सिलिका इन एबसाइड और एसोसिएटेड विथ सिलिका गिव एग्जाम्पल हाउ कैन यू सेपरेट एलुमिना वो शुरू शुरू में आपको दिखाई दिया था लीचिंग वाला टेक्निक एन uh, ओ एच का रिएक्शन कराना फिर एन ए एल ओ एच होल फोर uh, माइनस बना हुआ था गिविंग एग्जाम्पल डिफ्रेंशिएट रोस्टिंग कैल्सियशन एक मिनट uh, दोनों में हीटिंग है एक सल्फा ऑक्साइड हाइड्रेट वगैरह के लिए एक सल्फाइड के लिए वो है रोस्टिंग कास्ट एंड डिफरेंट प्रम्पिगार एन मिनरल ओर को डिफरेंशिएट करना है सिलिका लाइन कन्वर्टर जिसको कहते हैं हम लोग इसमें है नहीं वो टर्म तो मैंने बताई भी नहीं आपको इज द द रोल ऑफ इन मेटलर्जी टेम्परेचर तो एमपी घटाना और दूसरा इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाना लो ग्रेड कॉपर ओर में लीचिंग वो एक टेक्निक आई थी बाद में आप लिखा हुआ था लीज करना हाइड्रोमेटलर्जी टाइप से कुछ था वाई इज द जिंक नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ऑक्साइड थ्रू द रिडक्शन यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड सी टू ओ थ्री का पांच सौ चालीस है आठ सौ सत्ताईस है इज द रिडक्शन ऑफ सी टू ओ थ्री इज पॉसिबल विद एलमियम तो जिसका नेगेटिव में ऑक्साइड फॉर्मेशन हमारे पास कम है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो अल्मीनियम रिडक्शन ऑफ हाँ ठीक है पॉसिबल है करवाते हैं थोड़े विमिनियम के ऊपर यूज में लिखा था ना पढ़ाया था आपको कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जेडेनो जेडेनो तो लो टेम्परेचर पे काम करता है तो कार कार्बन मोनोऑक्साइड बेस्ट होगा द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज पर्टिकुलर केस डिपेंडिंग थर्मोडा फैक्टर वो आपका एलिंगम डायग्राम क्लोरीन इज ऑप्टेनियस बाई प्रोडक्ट नेम द प्रोसेस फ्रॉम विच क्लोरीन इज ऑप्टेनियस बाई प्रोडक्ट वो तो हमारा एक एन ए सी एल का इलेक्ट्राइसिस एक्वस फॉर्म का वट विल हैपन इफ एन एक्वस है सोडियम मिलता है वहाँ वट इज द रोल ऑफ ग्रिफाइट रोड इन द इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम वो एक थोड़े नोट की बात उसने की थी वो थोड़ा सा एक बार वापस रिवाइज कर लेना आउटलाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल फॉर फो द तो फॉलोइंग मेथड जोन रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक वेपर फेज रिफाइनिंग प्रेडिक कंडीशन अंडर एलमियम माइट बी एक्सपेक्टेड तो टू रिड्यूस एम जीओ तो मुझे एम जी बेस्ट दिखता है एलुमिनियम को अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनाए तो टेमरेचर हाई करना पड़ेगा तो कुल मिलाकर हमें अलग कुछ नहीं मिला आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं मिला तो मेरी तरफ से ये चैप्टर एनसीईआरटी से डन है एक दो बार तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस होनी है ना मैंने तो आपको बता दिया और इम्पोर्टेंट बातों को अंडरलाइन करके साइड में लिखने के लिए बोल दिया तो एक बार थोड़ा एफर्ट कर लो ईमानदारी से तो अगला चैप्टर मेरा टारगेट है कि हम केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस करें ठीक है जी तब तो तक इस चैप्टर को रीड करें ये मेरी तरफ से एंड हो गया है